देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। सीहोर विधानसभा में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सनी महाजन ने आज अपना चुनावी कार्यालय का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर नगर में सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाह पर कहा कि कोई माइका लाल मुझे नहीं खरीद सकता, हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। यहां सब विरोधियों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है। ज्ञात रहे कि विगत दिवस सोशल मीडिया पर सनी महाजन ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले रहे हैं और चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आज इन अफवाहों को सनी महाजन ने अपना बयान देकर विराम लगा दिया है। निर्दलीय में चुनाव लड़ रहा हूं, जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और उसके सारे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और मेरे सब समर्थकों के आदेश से निर्देश से चुनाव लड़ रहा हूं और चुनाव में जीत रहा हूं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? एक तो जनता के बीच मेरा 24 घंटे संवाद रहा है। क्षेत्र में बेरोजगारी और जो पानी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, उसको लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। बाकी हमारे विधायक जी पिछले 5 साल से जनता के बीच में नाराज थे और मैं 5 साल जनता के बीच में था, इस मुद्दे पे चुनाव लड़। कल सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि आप अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। यह मैंने अभी आपके सामने ही मेरे बोला, विरोधी मेरे दुष्प्रचार कर रहे हैं और मेरा फार्म, मेरी मौत भी हो जाएगी तो भी नहीं निकलेगा, चुनाव में लड़ूंगा। और अभी इतना बड़ा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ कि जो मुझे चुनाव लड़ने से रोक दे। क्या आपको जनता का समर्थन मिल रहा है? जनता का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। आप खुद जाके जनता से व्यक्तिगत पता कर लें, जनता आपको बता देगी जनता किसके साथ है। भाजपा के बड़े नेता आपको मनाने का प्रयास कर रहे हैं? नेता कोई मना या नहीं मना, चुनाव मैंने आपके माध्यम से कहा लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा और बिल्कुल 100% चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। खबर समय जगत के लिए सीहोर से कमल पांचाल की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।